गंगा आई कहां से? अगर उसका पवित्र है, दिव्यता है, वो तारण की क्षमता रखती है, तो आई कहां से? वो पवित्रता का स्रोत क्या है? सूर्य का भी तद्धाम परमम मम, वो मेरा स्रोत है, तद्धाम मेरे धाम से इनको पवित्रता मिलती है, मैं इनकी पवित्रता का स्रोत हूं। कौन? तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे शुचिता और पवित्रता अथवा मुक्ति प्रदान करूंगा। कृष्ण ये कहता है, मामेकम शरणम ब्रज यही स्मरित पुंडरीकाक्ष। इसे ये शुचिता की बात कही, विचार की पवित्रता की, चिंतन की शुद्धता की, आचरण की पारदर्शिता की बात कही। और ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि वैचारिक पवित्रता रखें, विचारों में पवित्रता रहे, आपके नेत्रों में पवित्रता रहे, कानों से को अच्छा सुने, भद्रम करणे विश्वयाम देवा, आंखों से को अच्छा देखें, जिव्या से को अच्छा बोलें, मधुवाता रेतायते मधु क्षरंति सिंधव, अपनी जिव्या को नियंत्रित कीजिए, वाणी को श्रृंगारित कीजिए, वाणी का अनुशासन पैदा करो। आप में वाक अनुशासन आना चाहिए, शब्दों का भारी अनुशासन आप में आना चाहिए, वो ललित हों, प्रांजल हों, पवित्र हों, उन्हें श्रृंगारित कीजिए, परिष्कृत कीजिए। आपकी भाषा में परिष्कार रहना चाहिए, वो प्रांजल होने चाहिए, वो पवित्र हो। आपकी जिह्वा पर जब शब्द आए तो वेधक न बने, बोधक बने, मारक न हो वो तारक बने, वो घाव न दे औषधि बने। आपकी जिह्वा के शब्द, चूंकि शब्द ब्रह्म है, तो भगवान ऋषभ देव ने कहा कि एक तो शुचिता रखिए और इंद्रियों का संयम। सौ पुत्रों में से सबको उपदेश दिया, अलग 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 दिशाओं में चले गए। जो पहले नौ बैठे थे वो नव योगेश्वर बन गए, ज्ञानी गुणी भीतरा। उनके 99 पुत्र धन्यवाद। इसका अर्थ क्या है? कोई आपके लिए अच्छा करे तो धन्यवाद दीजिए, संकोच नहीं करिए, कृपण मत बनो, कंजूसी गाय की है। फिर से पुनः धन्यवाद, थैंक्स गिविंग। कृतज्ञ रहिए, धन्यवादी रहिए। सौ पुत्रों में से 99 तो यति बनकर चले गए, सेवा के कार्यों में लग गए, समाज के काम में लग गए, परमार्थ के कार्य में लग गए, आहूत कर दिया स्वयं को समाज के लिए, अन्यों के लिए, परार्थ के लिए, परमार्थ के लिए। एक पुत्र रह गया केवल, उनको पास बिठाया और कहा अब राज्य संभालेंगे, प्रजावत्सल बनेंगे, जीवन को यज्ञ बनाइए, होम कीजिए, एक एक आहुति जीवन की बनाइए और अन्यों के लिए। ऋषभ देव ने बताया बादल बनना है, बादल बरसते हैं। कितने अद्भुत उपदेश हैं कि सागर से खारी जल लेकर बादल जाते हैं, मीठा करके बरसाते हैं। बादल बनो, ऊंचे बनो। बादलों का यही स्वभाव है कि वो है तो खारी जल, खारी जल ही तो सूर्य की किरणों से ऊपर उठता है, लेकिन उसका वाष्पीकरण होता है और फिर वो बादल बनकर मीठा बरसाते हैं। वृक्ष बनो, उसकी हर चीज दूसरों के लिए, उसकी गंध सुगंध औषधि, पल्लव पात, टहनी शाखा तना और लकड़ियां सब, अन्न की तरह से पाचकता लाओ, पौष्टिकता लाओ। इतना अद्भुत उपदेश है ऋषभ देव का। उन्होंने कहा जो दीन हैं, दुर्बल हैं, अंत्यज हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं,
एक शब्द है दलित, इसका अर्थ है कि जो बहुत दुर्बल है। हमने कई शब्दों का अपने हित में प्रयोग करना सीख लिया और पता नहीं किस तरफ चले गए ये शब्द। जैसे एक इतना सुंदर शब्द है जो भगवान के लिए आया है, नेता। विष्णु को नेता कहते हैं। अब ये नेता कहीं एक जगह जाकर टिक गया है कि वो एक दिशा में जो कार्य कर रहे हैं वो नेता है, ऐसा नहीं है। ये बड़े सुंदर शब्द है। प्रकृति इस स्वभाव से पूरी धरती को जीत लिया उन्होंने।